मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज जे एडवांस में मेरी रैंक 12 आई है और इसके पीछे पूरे एलन सिस्टम एंड मेरे पेरेंट्स एंड सबकी मेहनत है एंड मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सब्जेक्ट वाइज अगर हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं तो फिज़िक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैकेनिक्स एंड उनके कंसेप्ट्स, क्योंकि वो एज सच सिर्फ 11th के टॉपिक्स में नहीं है और कंप्लीट फिजिक्स के अंदर कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैकेनिक्स कंसेप्ट से कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है। तो मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स पे काफ़ी अच्छी ग्रास्प होनी काफ़ी ज़रूरी है। देन जैसे केमिस्ट्री के फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेनली जो कंसेप्ट्स हैं वो ईजी रहते हैं एंड हमें मेनली कैलकुलेशन पर फोकस रखना होता है ताकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके सिली मिस्टेक्स में मार्क्स ना जाए। एंड एक छोटा सा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, सो उसे लास्ट मोमेंट तक ना टाल लें और कंसिस्टेंटली उसके साथ से रिवाइज करते रहना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी लॉजिकल एंड उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो लगता है कि ये कभी याद नहीं होंगे वो काफ़ी ईजिली लॉजिकली समझ में आने लगते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लोगों को काफ़ी डर रहता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है एंड बहुत ज़्यादा है एंड याद नहीं होगा, पर उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है अगर हम प्रॉपरली उसको चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करके एक साथ याद करते रहें एंड कंसिस्टेंट रहें रिविजन में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, मतलब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कभी बाहर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स के अंदर मैंने मैथ्स में जो एलन के नोट्स एंड मॉड्यूल्स वगैरह थे उनको काफ़ी अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया था एंड पास जो जेई के पुराने क्वेश्चंस थे उनको भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया था। जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं एंड हेल्थ केयर फील्ड में हैं, सो कोविड के टाइम पे उनकी डेली ड्यूटीज रहती थी एंड इट वाज डिफ़िकल्ट एज अ फैमिली फॉर सबके लिए, बट उस टाइम उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी मेहनत करी कि उसका इफेक्ट मेरे पे ना आए। इनफैक्ट हमें भी बीच में एक्चुअली कोविड हो गया था इस साथ सेकेंड वेव में, बट सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से मैनेज करा एंड मेरे पेरेंट्स का स्पेशल वो ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई फैमिली में तो उन्होंने उससे मेरे को अफेक्ट नहीं करने दिया कि उससे मेरी और मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा इफेक्ट ना आए कभी। और जैसे क्लासेस के बाद जब वापस खुद सेल्फ स्टडी पैदा था मैं, तो सबसे पहले तो जो उस दिन का होमवर्क एंड रिवीजन असाइनमेंट्स वगैरह थे एंड अगर मेरे को कुछ टॉपिक लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ किसी चीज़ में, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करता था, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमें लगता है कि ये टॉपिक हम बाद में करेंगे तो वो कभी हम दोबारा टच कर नहीं पाते हैं, वो छूट जाता है। तो कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो उसको ऑन द स्पॉट ही टीचर्स से फटाफट रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। और फिजिकल स्पोर्ट्स में जैसे बैडमिंटन भी खेलता था, पर पिछले 2 साल में क्योंकि कोविड एंड उस सब में इतना बाहर जाना हुआ नहीं, सो मेनली तो हॉबी घर बैठकर ऑनलाइन चेस खेलता हूँ। अब आगे नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस में जाना है, पर अभी इतना डिसाइड नहीं करा है कि IIT मुंबई की IIT दिल्ली, उसमें अभी सोच रहे हैं, बट उसके आगे मेन मेरा इंटरेस्ट अभी कंप्यूटर साइंस में रिसर्च की तरफ है। जो अगले साल के स्टूडेंट्स अपेयर करने वाले हैं उनको एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टीचर्स असाइनमेंट्स एंड होमवर्क्स दे रहे हैं उसे एकदम टू द पॉइंट जैसे वो दे रहे हैं वैसे सॉल्व करते रहें एंड उसके अंदर कभी भी कोई कमी ना छोड़ें, और बार बार अपने साथ साथ एक रिविजन का करते रहना चाहिए कि आज हमने ये रिवाइज कर लिया, इसके बाद एक प्रॉपर प्लान वे में उसका रिविजन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो उसको कवर करने के लिए बार बार उसे रिवाइज भी करना चाहिए। आज सच मैंने एग्जैक्टली टाइम एलोकेट नहीं करा था, बेसिकली जितना उस दिन का काम लगता था मुझे या मुझे लगता था कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए या इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो डेली मैं उस तरीके से उसको करता रहता था। कभी मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई वीकनेस लग रही है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर दिया या उस तरीके से, ऐसे एग्जैक्टली फिक्स टाइम फॉर्मेट में नहीं चला मैं। कि एक तो कभी पूरे 2 साल में पढ़ाई के टाइम कभी स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब अपना पूरा खुश रह के पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स तभी आते हैं। एंड जो एलन की फैकल्टी एंड एलन का सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, कुछ भी अगर कभी प्रॉब्लम लगती है तो आप टीचर्स से बात कर सकते हैं एंड टीचर्स आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। वो कुछ भी कभी स्ट्रेस या पैनिक होता है तो वो उसको अच्छे से काफ़ी रिजॉल्व कर देते हैं एंड टीचर्स से कॉन्स्टेंट टच में रहना चाहिए, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे ओपिनियन में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर भी टीचर्स सब पढ़ा रहे हैं एंड अपना अगर हम डेडिकेटेड रहें तो हम उसको साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकते हैं, तो मेरे को ऐसा उतना डिफरेंस लगा नहीं जब मैं ऑफलाइन था या जब मैं ऑनलाइन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।